नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल, आपके साथ मैं हूँ रीना। ज्योतिष के अनुसार हर माह में 5 दिन ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इन 5 दिनों को पंचक कहा जाता है। कल 15 जून से आषाढ़ का महीना प्रारंभ हुआ है। इस माह का पंचक 18 जून दिन शनिवार से शुरू होगा, जो कि अगले 5 दिन यानी 23 जून तक गुरुवार को समाप्त होगा। इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से अशुभ फल मिलता है। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले विद्वान जन पहले पंचक पर विचार करते हैं और उसके बाद शुभ कार्य के अनुसार शुभ तिथि का निर्धारण करते हैं। जब पंचक शनिवार के दिन शुरू होता है तो ऐसे पंचक को मृत्यु पंचक कहते हैं। मृत्यु पंचक बहुत ही अशुभ माना जाता है। पंचक 5 प्रकार के होते हैं, रोग पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक, मृत्यु पंचक और चोर पंचक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा की धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण और क्षत्रिशा उत्तर भाद्रपद रेवती और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में भ्रमण की अवधि को पंचक कहा जाता है। ये अवधि 5 दिन की होती है। वहीं चंद्रमा कुंभ या मीन राशि में गोचर करता है तो पंचक आरंभ होता है। शनिवार के दिन पड़ने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहते हैं। इस पंचक का संबंध मृत्यु से होता है। मृत्यु पंचक में कष्ट मृत्यु तुल्य होती है। यह पंचक पूरी तरह अशुभ माना जाता है। मृत्यु पंचक में कोई भी जोखिम वाला काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा मुसीबत में पड़ सकते हैं। मृत्यु पंचक के दौरान चोट लगना, दुर्घटना होने वाले कार्यों से बचना चाहिए। इस दौरान इसमें वृद्धि होती है। इस दौरान शारीरिक और मानसिक कार्य को करने से आपको बचना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।